वेलकम बैक टू द क्रैंक क्रिकेट ब्लॉग। आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज ना आज एक ऐसा काम हम करने के लिए जा रहे थे जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था मेरे हस्बैंड को, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे जो चीज़ लेने का, वो आज हम फाइनली लेने के लिए जा रहे थे। तो इस ब्लॉग को पूरा देखिए, एंड तक ज़रूर देखिए और हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए। ये मेरे पति देव तो कुछ कहते ही नहीं है सच्ची, इनको मेरे व्लॉगिंग से कोई मतलब नहीं है। तुम करो अपना, करो तुमको जो करना है करो। अब वही जब मैं कमाने लगूंगी है ना, तब आपको मतलब होगा। अभी फिलहाल जब तक नहीं कमा रही कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करो। भी जो चीज़ हम लेने के लिए जा रहे थे उसको भी हमने काफ़ी सारे स्टोर्स में उसका प्राइस चेक कर रखा था और हम सोच भी रहे थे कि कहाँ से ले कहाँ से नहीं ले। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी प्राइस का ऊपर नीचे डिस्काउंट्स ऑफर देखने के बाद हमने जो जगह डिसाइड की थी हम वहाँ जा रहे थे। हमारे घर से लगभग 45 मिनट की दूरी पर था वो प्लेस, क्योंकि वहाँ से ना हमें थोड़ा अच्छा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा था, बिकॉज विवेक ने पहले भी वो चीज़ वहाँ इसी सैमसंग स्टोर से, हमने विवेक का पहले भी सैमसंग का S21 लिया था, तो हमने सोचा यहाँ से अच्छा ऑफर हमें कहीं और मिलेगा ही नहीं। और आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च हमें पता चला कि हमें जो डिस्काउंट्स ऑफर, जो कूपन्स यहाँ पे मिल रहे थे वो सिर्फ इसी स्टोर पे मिल रहे थे और कहीं भी अवेलेबल नहीं था। चाहे आप क्रोमा चले जाइए, विजय सेल्स चले जाइए या फिर रिलायंस चले जाइए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा ऑफर दे रहा था। अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेने की सोच रहे हैं या सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो इस स्टोर की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। बिकॉज इनके ऑफर्स और इनके जो सैमसंग के पॉइंट्स देते हैं ना वो काफ़ी अच्छा देते हैं। यहाँ पे हम आ चुके थे विवेक का न्यू फ़ोन लेने के लिए जो कि था सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। वो काफ़ी दिन से था हमारे दिमाग में ना कि हमें लेना है लेना है, बट होता है कि कुछ चीज़ें हम रोक देते हैं, कि काफ़ी सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में चलती है। कनिष्क का न्यू एडमिशन भी था तो हम थोड़ा उस पर भी ध्यान दे रहे थे, और वो सब कुछ करने के बाद फाइनली जो हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे ना वो हमारे हाथ में था। तो ये फ़ोन काफ़ी दिन से विवेक को ना लेना था, उनके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं, उनको काफ़ी एक्चुअली ना कोई भी मैन को ना, मुझे पता है जो भी आपके घर में आदमी होंगे ना उन लोग को शौक ही इन चीज़ों का होता है, या तो फुटवेयर्स का होता है या फिर उनको ज़्यादातर फ़ोन्स का या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ही होता है। तो उनको ना हर 1.5-2 साल में फ़ोन चेंज करने का ना दिमाग में कोई कीड़ा सा होता है कि नहीं मुझे फ़ोन चेंज करना है। भले ही आपके पुराने फ़ोन में कोई डिफेक्ट नहीं होता बट फिर भी उनका मन करता है कि चलो कुछ नया लेते हैं। तो ये था हमारा न्यू सरप्राइज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। हालाँकि हम लोग देख रहे थे बट आईफोन के कंपेरिजन में हमें ये ज़्यादा सही लगा। इसका प्राइस और डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में शेयर करूँगी कि हमने कितने में लिया, हमें क्या एक्स्ट्रा मिला, क्या बेनिफिट्स मिले। और ये टाइटेनियम ग्रीन कलर में था और 256 GB का था जो हमने लिया है। काफ़ी कूल लगा बिकॉज ना सैमसंग S24 अल्ट्रा में और भी कलर ऑप्शंस थे जो कि पुराने हो गए थे, बट ये टाइटेनियम ग्रीन न्यू ऑप्शन आया था तो हमने नया वाला ही लिया है और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और जो उनका S21 पुराना फ़ोन था वो मेरे पास आ चुका है, बिकॉज ये हमारी डील हुई थी कि जो भी वो न्यू लेंगे तो वो अपना S21 मुझे दे देंगे, बिकॉज मेरे व्लॉगिंग में काफ़ी काम आता है, अदरवाइज़ मेरी हेल्प करते हैं। कैमरे के सामने नहीं ज़्यादा दिखता होगा बट पीछे से तो मेरी हेल्प करते हैं मेरी व्लॉगिंग में। यहाँ पे हमने अपना फ़ोन तो फाइनल कर ही लिया था बट उसके साथ साथ हम और भी ऑप्शंस देख रहे थे, तो यहाँ पे हमें सैमसंग का ही फोल्ड भी दिखा। बट अगर ज़्यादा यूसेज है ना आपका, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ना फोल्ड ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं लग रहा था हमें।
बार मैं डबल श्योर होने के लिए दोबारा से फ़ोन देखने लगी थी कि क्या ये फ़ोन लेना सही रहेगा या फिर हमने जो सिलेक्ट किया है S24 Ultra कि वही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी श्योर होने के लिए कि एक बार हम इतना पैसा लगाते हैं ना तो एक बार सोचते हैं कि नहीं हमने सही इन्वेस्टमेंट की है या नहीं की है। बट ये फ़ोल्ड इतना हार्ड था ना फोल्ड करने में कि अगर मैं एक हाथ से यूज़ करती ना तो मुझसे नहीं हो पाता, बिकॉज मुझे कहीं ना दोनों हाथ यूज़ करना ही पड़ता उसको फोल्ड करने के लिए। इवन अगर वो सिंगल साइड से आप यूज़ कर रहे थे ना फिर भी उसमें थोड़ा वो इतना हैवी हो जा रहा था कि अच्छा हुआ कि वो हमने नहीं लिया। आफ्टर बाइंग दिस हमें रियलाइज हुआ कि हमने जो ली है ना वो परफेक्ट है हमारे यूसेज के हिसाब से, बिकॉज विवेक का ना कॉल्स का काम और उनके ना नोट पैड और इन सब का काम होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने फ़ोन सेलेक्ट किया है ना हम उसे सेटिस्फाइड थे कि फाइनली हमने जो ख़रीदा है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ख़रीदने के बाद ना कनिष्क ने तो हमें यहाँ पे स्टोर पे बिल्कुल परेशान नहीं किया। वो फोल्ड देखने के बाद ज़रूर कनिष्क का मन हो रहा था कि मम्मा मुझे वो दिला दो, जबकि उसके पास ऑलरेडी इतने फ़ोन है इतना टैब है, बट फिर भी उसको कहीं ना वो वहाँ पे बैठ करके वेट कर रहा था कि मम्मा यही फ़ोन पैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब बच्चे को भी आजकल पता होता है ना कि हमें कहाँ क्या लेना है। अगर हमने उसे बोल दिया ना कि कनिष्क बहुत एक्सपेंसिव है तब भी वो बोलेगा कि नहीं आप ले लो। तो आजकल के बच्चे तो सच में क्या क्या नहीं कराएंगे वो तो आगे आने वाला टाइम ही दिखाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमने जो चीज़ लेनी थी वो चीज़ हमने ले चुका था। ये पुराना मॉडल है जो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, और अभी जो हमने ख़रीदा है वो न्यू मॉडल था, न्यू कलर में आया था। मॉडल में तो कुछ चेंजेस नहीं है बट कलर में ही डिफरेंस था, टाइटेनियम ग्रीन था। इसके साथ हमें इसका अगर मैं प्राइस की बात करूँ S24 Ultra ये हमें पड़ा था अराउंड 1,13,000 के आसपास, जिसमें हमें 3,000 प्लस पॉइंट्स मिले थे सैमसंग की तरफ से, जिसके थ्रू आप कुछ और भी चार्जर या अडेप्टर जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। अगर वो एक साल तक वैलिड रहता है आप उस पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं कुछ भी और सैमसंग के प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो उसमें, और उसके साथ हमें ये अडैप्टर चार्जर फ्री दे दिया था उन्होंने। तो पूरा मुझे लगा कि जो हमने डील की ना यहाँ पे काफ़ी वर्थ इट था, सही ठीक ठाक हमें प्राइस में सब कुछ मिल गया। 1,13,000 में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो इतना हमें यूज़फुल लगा। और क्रोमा में जाते तो वही चीज़ हमें 1,10,000 की पड़ रही थी बट उसमें कोई वारंटी नहीं दे रहे थे, और इस स्टोर से हमें 1 साल का एक्सीडेंटल वारंटी क्लेम भी मिला है। तो अगर फ़ोन को कुछ होता है 1 साल के अंदर तो वो सब आपको यहाँ पे उसका वारंटी हमें 1 साल तक का दिया गया। तो काफ़ी सही चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई। डिस्काउंट्स तो नहीं मिला ज़्यादा, डिस्काउंट क्या ऑनलाइन चेक करेंगे तो अभी भी ऑनलाइन इसका प्राइस 135 या 134 के आसपास है। तो हमें तो जो ये डील मिली है मेरे को लग रहा है इससे बेस्ट हमें किसी और स्टोर पे नहीं मिल सकती। अगर आप लोग को लगता है इससे अच्छी डील हमें किसी और स्टोर पे मिल सकती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिनमें भी लगता है कि हमने एकदम सही डील क्रैक की है तो वो लोग भी यहाँ से आकर के ख़रीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस स्टोर का लोकेशन और फ़ोन नंबर डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी किसी और डिटेल्स के लिए आप मुझे पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे कनिष्क की मस्ती तो नॉनस्टॉप चालू है। यहाँ पे हमारा पूरा बिलिंग हो चुका था डन, और वहाँ से फाइनली हम बहुत खुश होके वापस अपने घर की ओर चल दिए थे। जैसे ही हमारी बिलिंग कंप्लीट हो गई थी ना यहाँ पे लाइट ही चली गई थी। इमेजिन कोई स्टोर पे या मॉल में लाइट चली जाती है, और जैसे ही हमने ख़रीदा उसके जस्ट बाद लाइट चली गई थी। तो ये हमारे लिए अजीब था कि कितने देर तक जाएगी, और दूसरी बार भी जब हम बिल्स बैग में डाल रहे थे तब भी आपके सेम टाइम रिकॉर्ड भी हो गया था कि लाइट कैसे चली जा रही थी। और मॉल से निकलने के बाद कनिष्क तो स्ट्रेट अवे तो घर नहीं जाता है, तो उसको यहाँ से जितनी भी कैंडीज़ थी वो भी लेनी है, उसको यहाँ पे अपना राइड्स भी करना है, उसके बाद हम घर की ओर चल दिए। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्रैंक।